What's up everybody? We're back here again. पहले लेकिन वो शुरू करें उससे पहले यार इतना भी मत देगा यार बिचारी को नजर वजर लग जाएगी बीमार बीमार हो जाएगी क्या फायदा है. So the thing that we're gonna talk about today is three things I wish I knew when I first started working out. चले फिर. We're getting late. Let's go and hit the gym. Let's go. माइंड टू मसल कनेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में लोग यूजुअली बात करते नहीं हैं. बट विदाउट इट एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट, बिकॉज तुम्हारा माइंड तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स तुम्हारे मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करते हैं, और जब तुम्हारे मसल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं जबी तुम्हारी मसल ढंग से काम करती है. एंड यूजुअली मोटर न्यूरॉन्स आर लाइक अनटेम्ड हॉर्स, जंगली घोड़ा. रीजन बीइंग नो एंगेजमेंट, नो एक्टिवेशन, नो ग्रोथ. डजंट मैटर इफ यू आर डूइंग प्रॉपर फॉर्म, इफ यू आर यूजिंग जायंट सेट्स, सुपर सेट्स, दे आर ऑल नॉट गोना वर्क अंटिल यू यूज माइंड टू मसल कनेक्शन. अगर कनेक्शन होगा नहीं तो वर्क कैसे करेंगे? हाउ दे आर गोना वर्क? यू आर नॉट गोना गेट एनी ग्रोथ इन योर मसल. एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड in knowing how to create better mind to muscle connection, ki biceps kaise activate karte hain, triceps kaise activate karte hain, shoulders, legs kaise activate karte hain, to comment below. Iski to puri series banayenge beta. Aaj का वर्कआउट मार के तो सच में ही मजा आ गया पूरा. बिल्कुल फूल गए हैं. सीढ़ियां चढ़ेंगे जब पता लगेगा, जब फटेगी. बिकॉज ऑफ प्रॉपर फॉर्म. और ये जो प्रॉपर फॉर्म है इसके दो मेन रूल हैं, सिर्फ दो मेन रूल. पहला, योर गोल इज मेकिंग द राइट मूवमेंट टू टारगेट द मसल यू आर सपोज टू टारगेट इट. एग्जैक्टली. और दूसरा है shutting down everything else around it so that your main muscle is the muscle that's actually working. तो जैसे तुम अगर bicep लगा रहे हो, bicep का function है elbow flexion, लेकिन वो ही function shoulder का भी है. But you're not gonna use shoulders when you're training bicep. So as long as these two rules satisfy, you're good to go. Exactly. But bad posture won't allow you to properly engage the muscle group that you're supposed to target. तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने bad posture सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हारी जो muscle movement होनी चाहिए वो natural path से deviate हो गई है, और वो natural path से deviate हो गई है तो जो muscle engage होनी चाहिए वो engage होगी नहीं, उसकी जगह कोई दूसरी engage होगी. तो bicep बनाने की जगह bicep तो इनकी कभी बनेगी नहीं, इसलिए तुम कमेंट करते रहते हो यार कि मेरी bicep नहीं बन रही, मेरी chest नहीं बन रही. And then one more thing. आपको ऑब्जर्व करना होगा आपका मसल वीक कौन सा है. अगर आपका हैमस्ट्रिंग वीक है उसको ट्रेन पहले उसको करो, रूट्स कमजोर है रूट्स को ट्रेन करो. यू गॉट टू फिगर आउट दैट टू, व्हिच मसल इज टाइट व्हिच मसल इज वीक. यू गॉट टू वर्क आउट दैट थिंग टू. और अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे टेस्ट करते हैं कि तुम्हारी कौन सी मसल वीक है, कौन सी टाइट है, कौन सी एक्टिवेट करनी है, कौन सी नहीं एक्टिवेट करनी है, देन वी कैन हेल्प यू विद दैट. हम उसकी भी प्लेलिस्ट बना देंगे कि कौन कौन से तुम टेस्ट कर सकते हो पता करने के लिए कि कौन कौन सी मसल तुम्हारी एक्टिवेट है और कौन कौन सी एक्टिवेट नहीं है. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट देन ऑल यू गॉट टू डू इज कमेंट बिलो. About is progressive overload.
मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो स्टार्ट इसी से करते हैं, और बाकी के जो पहले पॉइंट जो हमने पहले बात की है उनके बारे में वो भूल ही जाते हैं. बट दे ऑल्सो फॉरगेट दैट विदाउट माइंडी मसल कनेक्शन एंड प्रॉपर फॉर्म इवन दिस विल बी यूजलेस. एब्सोल्युटली, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड टू मसल कनेक्शन बनता नहीं, तुम्हारे मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, तुम्हारे प्रॉपर फॉर्म है नहीं तब भी तुम्हारे मसल्स एक्टिवेट होंगे नहीं. तो अगर इफ़ यू आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वेट विच इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, अगर तुम्हें नहीं पता अभी तक तो बता देते हैं. तो अगर तुम ग्रेजुअली इंक्रीज वेट कर रहे हो, तुम्हारी मसल एक्टिवेट ही नहीं हो रही, प्रॉपरली एंगेज नहीं हो रही क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर फॉर्म है नहीं, माइंड टू मसल कनेक्शन है नहीं, देन प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ प्रीटी मच यूजलेस एज हरसिमरन सेड राइट नाउ. तो इसीलिए यू गाइस शुड फोकस ऑन दोज फर्स्ट टू पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन यू ग्रेजुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग वेट स्लोली ओवर टाइम. लेकिन उसका भी एक पॉइंट है, क्योंकि लोग पता है जैसे ये गलती मैंने भी करी है एंड आई थिंक यू विल एग्री, पूरी प्लेट बढ़ा देते हैं. आई विश समबडी हैड टोल्ड मी बिफोर व्हेन आई स्टार्टेड, देयर वाज नोबडी टू टेल मी अबाउट दैट. और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक बार में ज्यादा ज्यादा वेट बढ़ाने की बजाय स्टार्ट स्लो, स्टार्ट विथ 2.5 पाउंड्स. और अगर तुम्हारे यहाँ केजीज में है तो केजी का सबसे छोटा कितना होता है? 2.5 किलो होता है. 2.5 किलो ना, 2.5 किलो तो ज़्यादा हो जाएगा. 2.5 किलो होता है. सबसे छोटी प्लेट 2.5 किलो की होती है. सबसे छोटी प्लेट कितने की होती है कमेंट में बताना यार, हमें तो पता नहीं. 2.5 किलो की कैसे होगी? 2.5 पाउंड की अपने सबसे छोटी प्लेट होती है, तो 2.5 पाउंड के हिसाब से तो वो तो ढाई किलो. ये छोड़ दो, दिमाग में से निकाल दो कि आपको जज करेगा. Nobody is there to judge you. अगर कोई जज भी करता है तो यार वो अपनी ऐसी की तैसी कराए. You are there for yourself. Everybody You're not there for anybody else. Everybody starts from the bottom, and we did. Yep, and now we're here.